हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट कैसे फिल कर सकते हैं खुद से। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और दोस्तों जब भी आप अपना पूरा पैसा निकालने के लिए जाते हैं या फिर ट्रांसफर क्लेम की रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, हमें डेट ऑफ एग्जिट डालना बेहद कंपलसरी होता है। अगर हम डेट ऑफ एग्जिट नहीं फिल करेंगे तो दोस्तों हम अपना पीएफ नहीं निकाल पाएंगे, ना ही दोस्तों हम अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट आप कैसे फिल कर सकते हैं खुद से। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है मेंबर होम। जैसे ही दोस्तों आप मेंबर होम सर्च करते हैं, आपको पहली ही लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों राइट साइड में आपको यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को मेंशन करने के बाद आपको दोबारा से साइन इन पर क्लिक करना है। तो क्या होगा दोस्तों, आपका यूएन नंबर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपना यूएन नंबर लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको आ जाना है सबसे पहले व्यू वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको चेक करना है सर्विस हिस्ट्री। दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्विस हिस्ट्री चेक करना होता है कि हमने किन किन कंपनियों में काम किया है। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक सिंपल तरीका बताऊँ, आपकी डेट कभी ओवरलैप नहीं होगी, ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो भी आसानी से डल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी हम डेट ऑफ एग्जिट डालने के लिए जाते हैं तो हमें ये चेक करना है कि हम पहले कितनी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम पहली वाली कंपनी चेक करते हैं तो इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/11/2018 में ज्वाइन किया था, ठीक है। अब आप उसके नीचे देख रहे होंगे कि इन्होंने दूसरी जो कंपनी है वहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था 1/4/2023। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 1/4/2023 से पहले की डेट ऑफ एग्जिट इनकी डालनी है, जो भी आ रही होगी, ठीक है, वो चेक करके। अगर आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं तो आपका भविष्य में पीएफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा या ठीक है, और पीएफ का पैसा भी नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों हमें एक सटीक डेट ऑफ एग्जिट फिल करना होता है। अब दोस्तों हमने देख लिया कि हमने दो कंपनियों में काम किया है। अब दोस्तों आपको आ जाना है मैनेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर मार्क एग्जिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है पहली वाली कंपनी को कि हमें इसकी डेट ऑफ एग्जिट फिल करनी है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर फिल करते हैं तो देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देने लगती है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको लास्ट डेट आपको दिखा दी जा रही है 31, ठीक है। तो दोस्तों 31 जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो 31 मार्च 2023 हो जाएगी। और दोस्तों आपने वहां देखा था कि इनकी जो न्यू ज्वाइनिंग है वो 1/4/2023 से दूसरी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर 31 मार्च 2023 फिल कर देना है। दोस्तों ये जो मैं है यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दिख रही है, आपके पोर्टल पर कुछ और डेट ऑफ एग्जिट दिखाई देगी तो वो आप डालना है। आपको मंथ की लास्ट डेट है ना, वो जरूर डालनी है, ठीक है, मंथ की लास्ट तारीख आपको फिल करनी है। उसके बाद सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यहाँ पर दोस्तों क्रिएशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपना ओटीपी फिल करते हैं, आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए, आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर पूछ रहा है सबमिट करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, आपको अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपडेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया जाता है डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, और आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों हमने डेट ऑफ एग्जिट फिल कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी एम्प्लॉयज की डेट ऑफ एग्जिट या अपनी खुद की डेट ऑफ एग्जिट घर बैठे डाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद।